के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से खाओ जी भर के जहाँ से चाहो, और उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर आदम ने सीख लिए अपने रब से चंद बोल, तो अल्लाह उस पर मुतवज्जा हुआ, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरो, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए ना कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झुटलाएंगे, तो वही लोग दोजख वाले हैं, वे उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मेरा ही डर रखो।